हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी हम आ गए हैं अपनी ससुराल यानी कि ससुराल वाले मकान पे, जहां हम अपने हस्बैंड के साथ में रहते थे अपने घर पे। और तो ये रहा मेरे हस्बैंड का क्लिनिक, जो कि अभी मेरा देवर चलाता है। और ये रहा, इसमें ऑफिस था, उसमें भी मेरे हस्बैंड बैठते थे। और ये तो उनका क्लिनिक था। ये जो पहले से जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, और जो अभी न्यू हैं तो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको, मेन गेट बंद है हमारा काफ़ी टाइम से। अभी जब मैं निकली थी दोपहर में तब खुला था, लेकिन अभी वो घर जा चुके हैं यानी कि हमारे देवर। ये ताला लगा हुआ है और अंदर का खुला है। मैं 3 महीने पहले आई थी ना, तब अंदर का सब जगह का लॉक कर दिया गया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं अंदर जबरदस्ती जाऊंगी। पर अभी वो जानते हैं मैं नहीं आ रही हूँ, इस वजह से ओपन कर दिया है अंदर का। हम आपको दिखाते हैं अंदर का, ठीक है, कि अंदर का ओपन है सब कुछ। हाँ, इस वजह से यहाँ से जनरेटर बाहर गैलरी में रख दिया गया हुआ है। बुरा तो बहुत ज्यादा लग रहा है, आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ में बैठा करती थी और मन करा कि मैं रुकूं अपने मकान पे, भले ही अंदर नहीं जा सकती हूँ लेकिन बाहर इसे देख लूं। कभी इस घर की मैं मालकिन हुआ करती थी, कहने को मेरा ससुराल है, बट आप लोगों को पता है कि सब कुछ मेरे देवर ने अपने नाम पे करा लिया है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, अंधेरा नहीं है। और क्या बोलूँ मैं, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी मेरा सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। इस करती हूँ मैं अपने बाबू को कि काश वो होते तो मुझे ही मेरा घर मुझसे दूर नहीं जाता। मिस करती हूँ मैं वो दिन जो मैं यहाँ पे मैंने बिताए हैं। आसान नहीं होता है किसी लड़की के लिए अपना ससुराल का घर छोड़ना। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप मायके में रहने लगी इस वजह से आपके ससुराल वालों ने आपका घर ले लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है, हम मायके अपनी मर्जी से नहीं गए थे, मेरे ससुराल वालों ने ही इजाजत दिया था कि आप जा सकती हैं। जितने दिन आपका मन हो आप मायके में रहें, जितने दिन मन हो आपका ससुराल में रहें। मैं ससुराल में रहने के लिए आई भी थी, लेकिन जब किसी ने मुझे रखा ही नहीं तो जबरदस्ती तो मैंने बहुत की, मैंने बहुत मेहनत भी की, मैं बहुत ज़्यादा दौड़ी भी हूँ इस घर के लिए। और पिछले 4 महीने पहले आई थी तो रात भर, आधी रात को मैं यहीं बाहर ही बैठे मैंने बिताया है। देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा है तो देख सकते हो। पापा भाई लेने आए थे मुझे, पर दिल है कि मानता नहीं। निकली इधर से तो मैंने कहा भैया मेरा घर है यहाँ पे, थोड़ी देर रुक जाओ और मैं बैठ लेती हूँ, उसके बाद घर चलती हूँ यहाँ से। तो वही सारी चीज़ें हैं गाइस, समय बदल जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे अपने इतने बदल जाएंगे, मेरे साथ में इतना बुरा करेंगे, पर ठीक है, मैं अपनी मेहनत से मैं खुद का घर बनाऊंगी अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए। और जिस नेम प्लेट पे मेरे बच्चे का मेरा नाम रहेगा, बस यही सारी चीजें हैं गाइस। बुरा तो बहुत लगता है मुझे, पर क्या करूं, घर बहुत प्यारा है मेरा। इतना ध्यान रखो, अगर वहाँ चले तो हम अगर ये आए Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah. Yeah.
काफ़ी टाइम हो गया था अपने घर को देखे हुए, और आज थोड़ा सा मन को सुकून मिल गया, देख लिया, थोड़ी देर रुकी भी हूँ मैं, तो अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था, दोनों फीलिंग्स आ रही थी। वही मैं सब कुछ आप लोगों को बता रही थी, क्योंकि जो न्यू है उनको नहीं पता होगा, और जो पहले से हैं उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा। और घर देखो मेरा कितना सूना सूना सा लग रहा है ना, क्योंकि मेरे बाबू नहीं हैं। बाबू होते तो वो मेरा यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे होते, ऐसे मुझे बाहर नहीं खड़ा रहना पड़ता है ना, मैं अपने घर में होती और अपने बच्चे के साथ में, बाबू के साथ में, और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही होती। तो वही सारी चीज़ें हैं, समय ने सब कुछ बदल दिया मेरी ज़िंदगी को। पर कोई ना, जो भी जैसा करेगा उसको वैसा भगवान देगा, आज वो खुश हैं, कल उनको भी मेरी तरीके से ही रोना पड़ेगा, और शायद भगवान भी उनसे घर छीन ले, क्योंकि किसी का घर छीनना कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं किया है उन लोगों ने, मेरे सर से छत छीनी है, भगवान करेगा। तो अंदर का देख सकते हो ओपन है, क्योंकि अंदर गैलरी में भी एक गेट लगा हुआ है, और यहाँ पे रख दिया गया है जनरेटर। हाँ, जनरेटर रख दिया हुआ है, हमको लगता है लाइट का कनेक्शन कटवा दिया है क्या, देख ही लूँ, बाहर से ही देख लूँ, अंदर तो जाने को नहीं मिलता। सब कुछ तो यहाँ से मतलब अंदर का सब कुछ दिख जाता है, वही मैं खड़े होकर देख रही थी, क्योंकि सब कुछ दिख रहा था। पहले चार मैंने पहले आई थी, आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, तो सब जगह का अंदर का भी लॉक कर दिया था कि ये मतलब अंदर ना जा पाएं। और उन लोगों को पता है मैं नहीं आऊँगी, इस वजह से मतलब गेट खोल दिए हैं, बाकी बाहर का बंद है, मेन गेट बंद है, बाकी अंदर का ओपन है। तो सब कुछ दिख रहा था, वही मैं देख रही थी कि देखो लोगों को कितना मज़ा आता है ना दूसरे का घर छीनने में। मेरे सर से मेरी छत छीन ली मेरी बेटी का, मेरी बेटी कितना मिस करती है ये वो लोग नहीं समझ सकते हैं, और उनको अभी मज़ा तो आ रहा है, पर भगवान महाकाल उनको ज़रूर देगा। भगवान जो हैं कहीं पे तो उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, जिन्होंने मुझे इतने खून के आंसू रुलाए हैं और मुझे इतनी तकलीफ़ दी है। ये तकलीफ़ मुझे बहुत इन लोगों ने दी है, जब से मेरा घर मुझे पता चला कि इनके नाम पे हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई है, वो तकलीफ़ का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता है। और बस वही चीज़ें हैं। तो भैया कह रहे थे चलो अब बहुत रात हो जाएगी, और मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ, मेरा मन कर रहा था मैं ऐसे ही यहीं पे बिता दूँ, सच में मैं बिता देती पूरी रात, लेकिन भैया लोग थे तो क्या खाते क्या नहीं, और ठीक भी नहीं था ऐसे, और लोग फिर तो फिर चलिए फिर यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं। बहुत लोग मेरे ससुराल के ब्लॉग देखना चाहते हैं, पर क्या कर सकते हैं, ससुराल के ब्लॉग हैं मेरे पास, वो मैं अब डालूँगी, आप लोग देखिएगा। और क्या बोलते हैं, प्लीज़ मैं जहाँ भी रहूँ ना मुझे वहाँ से सपोर्ट करो, मुझे भी अपना घर बनाना है, उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगाना है जिन लोगों ने मुझे ऐसे इस हाल में छोड़ दिया है। फिर यहाँ से अब हम निकलते हैं, और ये हमारी ही तरफ की मार्केट है, तो देख सकते हो कितनी रात तो मतलब हो चुकी है, कुछ लोग दिख रहे हैं कुछ लोग नहीं, दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो चलिए फिर बने रहिए, रास्ता भी ठीक नहीं है, और फटाफट चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इतना बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए, शेयर करोगे ना तो मेरी फैमिली मेंबर्स बढ़ेगा, प्लीज़ गाइस शेयर करिए। और तो चलिए फिर बने रहिए अभी।
गाइस उधर हम लोग गए तो रास्ता बहुत ही खराब था, तो फिर हमें घर की तरफ से मुड़ के आना पड़ा कि इसी वाली रूट से चलते हैं, तो हमारा घर फिर मुझे दिखने वाला है, तो मैंने फिर से थोड़ा सा सूट कर लिया। पता नहीं क्यों ये मन है ना जो मानता ही नहीं है, बार बार मुझे उधर ही खींच के लेके जा रहा है। रास्ता देख रहे थे आप लोग कितना ख़राब था, तो और सिंगल मतलब रास्ता था वो भी इतना ख़राब, तो भैया ने कहा चलो उधर ही से निकल चलते हैं। तो ये रहा मेरा प्यारा।